हाँ गुड़बिलो बोले को गोबर का कीड़ा था रे कि मधुमक्खी दोनों में थी दोस्ती। तो मधुमक्खी कहती है गोबर के कीड़े से कि भाई कभी शहद चखा है? बोला नहीं चखा। बोला आजा मैं शहद चखाता हूँ। समझ में आ रही सबको? सुनने में आ रही ना? तो बोला शहद चखाता हूँ। तो वो गुड़बिड़ा जाता है धीरे धीरे और वो मधुमक्खी एक शहद की बूंद टपकाती है मुंह में। बोले कैसा लगा? बोला गोबर जैसा बकवास। मधुमक्खी को टेंशन हो गई। बोला मेरे छत्ते में कोई गड़बड़ है। बेचारी ने छत्ता सुधारा बढ़िया जी छत्ते से। फिर बूंद लेकर के आई दूसरे दिन फिर बुलाया। बोला भाई एक बार फिर आ जा। बोले क्यों परेशान करते? बोले एक बार और चख ले। दूसरे दिन चखाया। बोला कैसा? बोला वही गोबर। अब मधुमक्खी रोने लग गई। पहुंच के रानी के पास। रानी थोड़ी सी समझदार थी। बोला तू कल हाथा जोड़ी करके एक बार मेरे पास लिया, फिर चौथी बार नहीं बुलाना है। वो हाथ जोड़ती है पांव पड़ती है। भाई एक बार चली मेरी इज्जत का सवाल है। गुड़बिड़ा हाथ पांव पटकता पहुंचता है गुस्से में लाल। अरे क्या है? तो रानी कहती है कुछ नहीं, एक बार तेरा मुंह खोल के बता। तो जैसे गुड़बिड़े ने मुंह खोला गोबर के कीड़े ने इतना सारा गोबर भरा था उसके अंदर। इतना बोले एक काम कर इसको निकाल। बोले फिर पानी से मुंह साफ कर फिर मैं तुझे शहद पिलाऊंगा। उसने वैसे ही किया कीड़े ने। गोबर निकाला पानी से मुंह साफ किया और जैसे उस रानी ने टपका डाला शहद का। बोले कैसा लगा? बोला वाह ये तो अमृत है। तो ये राम नारायण राम ऐसे ही नहीं जाएगा। जमान की गंदगी जब तक दूर नहीं होगी गोबर दूर नहीं होगा ना मेरे भाई। तब तक राम नारायण राम लेने का अधिकार नहीं मिला। बोले 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 दादी जी महाराज की जय। चाहे तू सुन ले और चाहे सुना दे दुनिया को सारी अब तू बता दे कि सबसे सुंदर नाम राम हो। सस्ता की पहचान राम सबसे सुंदर नाम राम हो। राम नारायण राम राम नारायण सबसे 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 सुंदर ऐसे तो क्या बच्चे होते हैं घर में सबके तो वो ले जा करके और अपने अपने अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं उनके जाके टीका लगवा लेते हैं। सरकार ने पल्स पोलियो का अभियान चलाया हुआ है कि जहाँ कहीं लोग नहीं पहुंचते ना तो वो एक चक्कर होता है एक दिन उसमें जो बच्चे कुछ सबको पिला दो। तो वे पल्स पोलियो का अभियान है। हम तो करते रहे जिन्होंने नहीं लिया ना जिंदगी में या फिर पूरे कीर्तन में भी नहीं लिया अभी आखिरी का अभियान है। फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये बार बार ये लाखों रुपए खर्च करके ना हम आने वाले और ना उठाने वाले होते कि राम नारायण राम राम। बाबा जी ले लो, बाबा जी ले लो राम नारायण राम। कोई अल्लाह हुआ ऊपर कौन बोल रहे हो? बोले तो राम नारायण राम राम नारायण राम 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 सबसे 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 सुंदर राम सबसे सुंदर
सबकी पहचान है ये तो, हम सबकी क्या है पहचान, कौन हम लोग बाबा जी कि हम हैं तुम्हारी कोई पापा से कोई चीज लेने तो कैसे बोलते हैं हम लोग क्यों जाएंगे धीरे से कोई चीज चाहिए ना मानो की तो क्या करेंगे पापा के पास बापू के पास कैसे जाएंगे ये सर पापा ऐसे बोलते हैं पापा दो बार घट गया है पापा ऐसे बोलते हैं ऐसे बोलना पड़ेगा इसको ये पिता है हमारा ये ठाकुर कहता है तुम मेरे पेट का बच्चा हो और मैं इंजन बन के आया तुम्हें पैसे के ले जाऊंगा गुरु बन के पैदा हूं तुम्हें गुरु बना के ले जाऊंगा बोले 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 बताने की महाराज तुम्हारी हम क्या कहते हैं कि जो कुछ हो गया ना तेरी तकदीर में था और तेरी तकदीर में नहीं था लेकिन मेरे भाई अगर उसे ठाकुर की शरण में आए तो जिंदगी से नहीं नाम का शब्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा ये नहीं नाम का डिक्शनरी में से ये शब्द गायब हो जाएगा क्योंकि मेरा ठाकुर इतना पावरफुल है। सोचिए इस दुनिया में जितने भी गुरु हुए हैं जितने भी मंत्र हुए हैं गुरु खत्म उसके शिष्य खत्म और धीरे धीरे मंत्र ऐसे आके खत्म हो जाता है और मेरा ठाकुर दादा कितना टाइम हो गया बाबा को गए हुए 25 साल और 25 साल में इसे ठाकुर के जो शिष्य हैं इसे ठाकुर के जो ये बेटे हैं ये संतान 25 गुना बड़ी है बोले माने ब्रह्मचारी जी महाराज जी अरे महामंत्र की महिमा अरे मिलके करो गुणगान राम सबसे सुंदर नाम राम सृष्टि की पहचान राम प्रसाद जी के